पश्चिमी इंडिया अपना नाम रखा है, इसमें आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहोगे? इंडिया रखने से नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब इंडिया रख दे या भारत रख दे उसमें भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एंड हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो काम करके देखा है, जो काम कर रहा है उसमें सब जनता के सबको मालूम है और ऐतिहासिक ये गवाही दे रहा है कि ये काम जो 25 साल से नहीं हुआ वो काम उसने अभी करके उन लोग देखा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकते और कोई मोड़ नहीं आ सकते। इंडिया ठीक है, इंडिया हमारे भारत का पहले से भी नाम था तो उसमें कोई खास वो एतराज की बात नहीं है। और चुनाव की बात है, राजनीतिक दल है, चुनाव में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं जनता की बात करूं तो 2024 में जो चुनाव है, या फिर मैं बात करूं तो एमपी में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इंडिया रखने से भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, जनता कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आएगी। विपक्ष ने अपना नाम रूपों को अगर इंडिया रखा है, इसमें आप क्या राय? विपक्ष ने जो रखा है इंडिया, ये अंग्रेजों की साली सब सल्तनत थी, आज भी अंग्रेजी को लेके चलेंगे। विपक्ष केवल अंग्रेज हैं, मुगल सल्तनत ने किया, बाहर के लोगों को आमंत्रित और केवल इनको यही दिखाना है और प्रोपोगंडा यही है इनका जो भी बनता है कि ये अपने आप को दूसरे गुट को भी तो लाना है इनको, तो इंडिया के माध्यम से इंडिया नाम दे के जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में बाहर के लोग हैं या जो भी बाहर की मानसिकता है, जिनकी हिंदुत्व की मानसिकता नहीं है, उनके मोदी का जो भी खिलाफ है वो केवल हिंदुत्व है। विपक्ष ने अपना नाम एकजुट होकर इंडिया रखा है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया, क्या कहोगे इसमें आप? ठीक है, उन्होंने इंडिया रखा है, कोई विपक्ष कमजोर वाली बात नहीं है, इंडिया रखने से कुछ हासिल होगा, इंडिया रखा है वो सही रखा है, भारतीय जनता पार्टी के नाम देखी, जनता पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी नाम रखा, पहले इन्होंने जनता पार्टी की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, तो इसी तरीके से अगर यूपीए ने इंडिया रखा तो सही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया रखने से जनता मुक्ति नजर आएगी आगामी 2024। विपक्ष ने अपना नाम एकजुट होकर इंडिया रखा है तो एनडीए बनाम इंडिया कहा जा रहा है, इसमें आप किस क्या कह सकते हैं? पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि जो इंडिया रखा है, पहली बात तो इन्होंने इंडिया रखना नहीं था, इंडिया हमारे देश का नाम है और देश को राजनीति को जोड़ना अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि हम जो एनडीए है वो हिंदुत्व के लिए काम करता है, संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इंडिया है, ये जो ही हम मुसलमान वगैरह को बढ़ावा दे रहा है और ऊपर से इन्होंने इंडिया नाम रख दिया, इंडिया देश का नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, राजनीति में जोड़े जा रहे हैं, इससे इनको घाटा ही होगा, फायदा होने वाला है। अब इसी पर चर्चाएं बड़ी ज्यादा गलत हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नाम रखा है इन्होंने गलत रखा, इस पर जो है मोदी जी को इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए कि अपने निजी स्वार्थ के लिए आप जो है पार्टी का नाम जो है वो इंडिया रख रहे हैं, ये गलत है। इंडिया जो विपक्ष का नाम इंडिया रख रहा है, देखिए ऐसा है कि पहले भी कई बार विपक्षी लोगों के गठबंधन बने हैं लेकिन बहुत ज्यादा सफल गठबंधन भी नहीं रहे हैं। अब पहले यूपीए नाम था, अब इंडिया नाम हो गया है, तो नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रखने से मेरी ये कि नियत क्या है, नियत अगर साफ होगी तभी आप सफल हो पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ गठबंधन में ऐसे लोग हैं जिनकी नियत साफ नहीं है और जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं। देखिए विपक्ष ने जो नाम इंडिया रखा है इस पर ज्यादा हायल्ले की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर अलायंस अपना नाम रखता है, इससे पहले वो यूपीए था, अब इंडिया हो गया, इसी तरीके से उनके पास एनडीए है, वो भी अपना नाम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मुद्दा नाम है, मेन मुद्दा जो है वो इनका आपस में गठबंधन है, गठजोड़ है और इनकी जो एकता है वो है, जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आया, संसद में हल्ला है, इस तरीके से मामले को लेकर के जिस तरीके से वो लोग एक घेर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या और मुद्दे हो, तो सरकार की जो बौखलाहट है वो इस बात की नहीं बल्कि वो नाम की नहीं बल्कि वो बौखलाहट उनकी एकता की है। कामन भाई जो विपक्ष का नाम दिया रखा है, विपक्ष ने इसको लेकर क्या राय है?
देखिए विपक्ष ने नाम जो इंडिया रखा है, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया तो हमने, हमारे मुल्क का नाम ही इंडिया है, तो इसको कोई नाम रखे फिर एक पहचान मिले इसकी तो मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया के अंदर रहते हैं। और ये ऐसा इन्होंने काम किया है जो इंडिया नाम रख के, जो कि इन्हें नहीं रखना चाहिए था, और ये देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। नाम रखने से या इस तरह का कोई भी स्टेप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये छोटे छोटे दल को लेकर के मुस्लिम को एक उस पर लाना है। लेकिन आज के टाइम में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कहूंगा, विकास के साथ। भाई ये नाम क्या रखा गया है, इसको लेकर क्या डिसाइड हुआ है कि नाम इंडिया है, तो ये इंडिया जो नाम है ये तो एक शॉर्ट फॉर्म में नाम आ रहा है, ये जो फुल फॉर्म है इसकी वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, तो उसको शॉर्ट फॉर्म करके इंडिया रखा गया है। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई गलत है, क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्म में नाम आ रहा है, वो फुल फॉर्म पे भी मैं नाम को बताई गई है। तो अगर लग रहा है कि ये गलत है तो कानून दृष्टि से इसको देखा जाए, अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नाम, क्योंकि फुल फॉर्म तो उसकी अलग ही है और शॉर्ट फॉर्म में इंडिया है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि एक एनडीए और एनडीए के खिलाफ जो विपक्ष है वो इंडिया नाम रखा है, इसको आप कैसे देखना चाहते हैं? इसको हम अगर देखें तो एनडीए सबसे अच्छा है, और जो विपक्ष इंडिया रखी है उसको इंडिया नाम ना रख के कुछ और नाम रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे भारत जैसे देशों का नाम रख के कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को भी नुकसान देंगे। अभी देखा जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ जो विपक्ष है उसने इंडिया नाम रखा है, इसको किस तरह देखना चाहते हैं? ये जो नाम ये लोग इंडिया रखे हैं, तो इंडिया हमारे देश का नाम है, और ये लोग एक गठबंधन बनाए, तो गठबंधन का नाम इंडिया देना उचित इसलिए नहीं है। जैसे मान लीजिए गठबंधन आज बनता है, फिर गठबंधन में से कुछ पार्टियां टूट के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, तो मान लीजिए कभी भी ऐसा हो अगर गठबंधन टूटा, तो ये मीडिया पे या अदरवाइज दूसरे कंट्री में भी ये संदेश जाएगा कि इंडिया टूट गया। अभी देखा जा रहा है कि एक एनडीए और एक इंडिया, तो एनडीए के खिलाफ में विपक्ष जो है उसने इंडिया नाम रखा है, तो इसको आप कैसे देखना चाहते हैं? कुर्सी हासिल करने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन किए हैं जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, और सरकार जो है वो भी गठबंधन कर उसका एनडीए नाम है, हालांकि गठबंधन उन लोगों का सरकार का पहले का गठबंधन है, ये नया गठबंधन बना है। कहा जा रहा है कि दो गठबंधन, एक एनडीए और एक इंडिया, तो एनडीए के खिलाफ जो है विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है, तो यह इंडिया नाम को आप कैसे देखना चाहते हैं? देखिए इंडिया नाम तो इनको इंग्लिश मैटर हो गया आपका, भारत देश है, हिंदुस्तान है, इनको इंडिया नाम तो रखना चाहिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए इन्होंने इंडिया नाम रखा है। विपक्ष के जो कार्य है इंडिया नाम रखने का कोई दुख नहीं है, इंडिया का ऑलरेडी इंग्लिश नाम है, भारत हिंदुस्तान है, इसलिए इनको गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने इंडिया का गठबंधन किया। इंडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है या बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा राजधानी है, उसको कुछ लोगों ने अपने में समेट के रखना ये इंडिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो मतलब ये हमारे देश के लिए मतलब खुलम खुला बेइज्जती है। इंडिया रखने का मतलब क्या, अपने आप को कुछ लोग ही अपने आप को इंडिया समझते हैं क्या? कोई इंडिया रख ले, कोई जिसका जो मर्जी आए नाम रख ले, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन का कई रूप होता है, दूसरा भी नाम ये लोग रख सकते हैं। देखा जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ में जो विपक्ष है वो इंडिया नाम इस समय रखा हुआ है, तो इसको आप कैसे देखना चाहते हैं? हम ऐसे ही देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का
ये जो विपक्षी पार्टियों का जो संगठन चल रहा है अभी कुछ कुछ दिनों से, विपक्ष एक 24 पार्टियों को मिलाकर एक संगठन को तैयार किया है और एक नए मुद्दे को लाया हुआ है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, जो कि यह लोगों की आम लोगों की तरह से देखा जाए तो यह इंडिया नाम रख कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि एक लोकसभा चुनाव के लिए जैसे एक एनडीए है और एक विपक्ष जो है इंडिया नाम रखा है, इसको आप कैसे देखना चाहते हैं? इसको हम ऐसे देखना चाहते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए देश का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। यूपीए भी ठीक नाम था मगर ये देश के लोगों को भरमाने के लिए एक ये नाम रखा गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है और काम में दम होना चाहिए, नाम से कुछ होता नहीं है। बहुत गलत नाम रखा हुआ है, इंडिया नाम रखना ही नहीं चाहिए। अगर राहुल गांधी के ही उनका जो है कौन सा है उनका, राहुल गांधी का कंपनी क्या है, उसी में रखना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए था, सबको मर्ज कर जाना चाहिए था तो एक बहुत बड़ी ताकत बनती। मोदी से मुकाबला 50% कर सकते थे, 50-50 का मामला होता, लेकिन अंत में जा कर के मोदी इनको ऐसा परास्त करेंगे पटखनिया खा जाएगी इंडिया। विपक्ष इंडिया नाम रखा गया है लेकिन सब फेल हैं, जितने हैं चोर चोर सब इकट्ठे हो गए हैं। अब तो मोदी और आराम से जीत जाएंगे क्योंकि सबको सब कूड़ेदान में एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। 24 तो फिर अब कोई लड़ाइए नहीं है ना, अब तो मोदी आराम से जीत जाएगा। इन लोगों को इकट्ठा होते ही ये सब फेल हो गए, अब मोदी डंके की चोट पे जीतेगा 300+। देखिए सबसे पहली बात तो ये विपक्षी पार्टी बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि अब लड़ाई देखा जाए तो भारत और इंडिया बनाम हो गया है। ये गलत, सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है ये लेके आया गया जो इंडिया नाम रखा गया विपक्षी पार्टी ने। और देखा जाए तो बीजेपी पार्टी इसका भी विरोध कर रही है और हाँ जिस तरह बीजेपी काम कर रही है तो एक बार हम लोग फिर चाहेंगे कि बीजेपी को ही एक बार सरकार में लाएँ। मोदी जी को हम लाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हम जैसे युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद किया है, जैसे हम लोग के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे ये पार्टियों का नाम रखना ये सब फिजूल काम है, इसको ना ध्यान ना देके आप देश की सेवा करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनोज जी विपक्षी दल हैं उसमें कई 26 दल 25 दल शामिल किए गए हैं, उन्होंने अपने दल का नाम इंडिया रख दिया, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से देखें? देखिए इंडिया हमारे भारत का नाम है और इंडिया अगर नाम रखा है तो इंडिया बहुत ही अच्छी बात है, हम सब लोग इंडिया से ही प्यार करते हैं और इंडिया नाम रखने में कोई बुराई नहीं है मेरा मानना है। इसकी घोर निंदा करते हैं, उन्हें इंडिया रखना नहीं चाहिए, ये हमारे देश के प्रति उन्होंने एक गलत संदेश जारी किया है जो न्याय में इसका कोई औचित्य नहीं है, जो वैधानिक नहीं है। इंडिया एक हमारे देश का नाम है जिसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं वैसे भारत कहते हैं, और जो किसी का अगर कोई नाम है उसको दूसरा व्यक्ति नाम नहीं रखता, ये इलीगल भी है और गलत भी है। विपक्षी दलों ने जो अपने दल का नाम इंडिया रखा है बहुत ही गलत रखा है, ये देश के लिए अपमान की बात है और मेरा विचार है कि जहाँ तक है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष दल ने जो कई दल हैं उसमें शामिल है उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है दल का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके भी एनडीए है, एनडीए में भी काफ़ी दल हैं और इनके भी लगभग 25-26 दल हैं, तो नाम रखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई एनडीए रख लेता है कोई इंडिया रख लेता है, पहले यूपीए था, तो ये अपनी अपनी राय है, अपने अपने एक समीकरण होते हैं पार्टियों के और उस हिसाब से उन्होंने नाम रखा है, तो उससे कोई हमारे हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंडिया नाम रखना कोई गलत चीज़ थोड़ी नहीं है, इंडिया है तो इंडिया नाम रख लिया, अदर किसी कंट्री का नाम थोड़ी रखा, अपनी कंट्री का नाम है इंडिया, अच्छा नाम है। इंडिया एक तो अपने देश का नाम है और दूसरा मेरी समझ से जो ये नाम रखा है तो इस तरीके का नाम रखना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और पार्टी संबंधित किसी देश का नाम रखना या कोई गठबंधन का नाम रखना तो ये तो मेरी समझ के तहत जो है ना गलत है, इस तरीके का नाम नहीं रखना चाहिए। विपक्ष जो इंडिया नाम दिया है उसको लेके क्या राय है? जहाँ तक नाम की बात है
नाम तो कोई भी रखा जा सकता है, नाम में तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे निषाद पार्टी को आप ले लीजिए, उसने एक जात विशेष का नाम दे दिया, लेकिन जबकि उसकी पार्टी का नाम निषाद पार्टी नहीं है, वो नेशनल करके कुछ जो है पार्टी का नाम। उसी तरह से इंडिया भी जो है जो नाम दिया गया है वो अलग अलग घटकों का नाम लेकर के जो है उससे एक इंडिया शब्द जो बन गया INDAI जो हुआ है, उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इंडिया सब अगर इंडिया के नाम पर अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो कौन सी बुराई उसमें है भाई, इंडिया पार्टी कोई बुरी बात तो है। बहुत सफल रहेगा और मोदी सरकार के लोग अत्याचारों पर भ्रष्टाचारों से लोगों को घुटन महसूस हो रहा है और हमको लगता है कि ये सरकार बदलेगी तो जनता राहत बदलेगी। पूरे देशवासियों को भाई साहब इसी नाम की ज़रूरत थी, इस नाम की आवश्यकता थी, इसलिए विपक्ष ने मिलके एक सोची समझी रणनीति के तहत इंडिया नाम दिया है। अब उस इंडिया नाम का जो सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है और जो क्रिटिसाइज कर रहा है, निश्चित तौर पर इनकी घृणित मानसिकता का प्रचायक है। इन्होंने शाइनिंग इंडिया चलाया, इन्होंने तमाम अपने स्कीम बनाए जो जिसमें इंडिया नाम दिया था, तब इनको इंडिया अच्छी लगती थी। अगर आज विपक्ष ने इंडिया नाम दे दिया है तो इसके शीर्ष नेतृत्व के प्रधानमंत्री इस पटल पर आकर इसका जवाब दे रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं कि ये अच्छा वो नहीं है और ये अच्छी परिदृष्टि नहीं है। निश्चित तौर पर सारे लोग इंडिया के नाम से और विपक्षी एकता से डर गए। विपक्ष जो है इंडिया नाम दिया है उसको लेकर क्या कहें? बहुत सही नाम दिया है, नाम में कोई और उसमें हम लोग सफल रहेंगे, हमारी सरकार बनेगी। इंडिया से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे इंडिया को वोट दे चाहे एनडीए को वोट दे, ये तो फैसला जनता को करना है। हमारा वोट है हम किसको देंगे, ये ना विपक्ष तय करेगा ना इंडिया तय करेगा। लोकतंत्र में तो किसी भी संगठन को अपना कोई भी नाम करने की आपत्ति है और कांग्रेस ने यह रख लिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सत्ताधारी पार्टी को जरूर हो सकती है, तो डरे हुए हैं जैसा कि उनके नेताओं का बयान है, तो मुझे तो लगता है कि इसका डर भी गलत है। लोकतंत्र है, कोई भी नाम रख सकता है, कोई भी रख सकता है। जब स्त्री इंडिया चल सकता है, जीतेगा इंडिया चल सकता है, आई इंडिया नाम दिया क्या कहें, इसमें क्या दिक्कत हुआ? इंडिया नाम क्योंकि पक्ष रख रहा तो अच्छी ही बात है, इंडिया के नाम से अगर अपना गठबंधन बना रहा तो अच्छी ही बात, अच्छा ही बात है, क्योंकि इस तरह किसी को घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जनता है, जनता किसी को चुन सकती है, चाहे इंडिया को चुनो चाहे इंडिया को चुनो, भाई जनता की मर्जी है। इस वजह से इंडिया रखने से इंडिया रखने से क्या फर्क, जनता का सुख है, जनता को चुनना, जनता को वोट देना, जनता मतदान करेगी, जनता अपने हिसाब से वोट चुनेगी, देश का भविष्य चुनेगी, कैसे इंडिया नाम रखे से क्या फर्क। विपक्ष जो है इंडिया नाम रखे क्या कहेंगे इसको? विपक्ष इंडिया नाम रखिए तो हम लोग इंडियन तो हैं, समाजवादी पार्टी के लोग और जो गठबंधन के लोग जो हमारे गठबंधन में हैं वो सब असली इंडियन है, तो इसलिए इंडिया नाम तो जनता पसंद कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है कि बहुत अच्छा नाम इन्होंने रखा है। क्यों तो भाजपा नहीं है? भाजपा कहाँ से इंडियन हो सकती है? अगर इंडियन हो सकती तो इनके भाजपा के लोग RSS के लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने क्यों जाते हैं? और ये खाली हिंदुत्व का हिंदुस्तानी होने का प्रोपोगंडा करते हैं, इनके मन में इंडिया के प्रति कोई प्यार कोई लगाव नहीं है, अगर लगाव है तो समाजवादियों और गठबंधन के लोगों। जिन्हें जो इंडिया नाम दिया है उसको लेके क्या राय है? देखिए विपक्ष, हम तो भाई संगठन के हैं, हमारा संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और हमारी ये भी एक पार्टी, हमारी राजनीतिक पार्टी बनी है सर्वजनहित पार्टी ब्राह्मण पार्टी। और इंडिया देखिए, इंडिया का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, इंडिया में तो सारे समुदाय के सारे लोग इंडिया में वास करते हैं, इंडिया तो हमारा वैसे प्रिय है। अब हर एक लोग उसको अलग अलग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं तो उनकी सोच अलग है। विपक्ष ने एक अलायंस तैयार किया है जिसमें उन्होंने अपने जो गठबंधन है उसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया। आप जो ये नाम रखा गया है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो कोई अच्छे नज़रिए से इसको नहीं देखते। अच्छा तो इनके लिए यही रहता कि जैसे अपना इनका पहले इंडिया नाम था वही नाम रखते, नाम से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। इंडिया नाम से विदेशों में भी हमारी ख्याति खराब हो गई,
आपको क्या लगता है कि जो आने वाला जो 24 का चुनाव है उसमें जो ये विपक्ष जिसने अपना नाम इंडिया रखा है ये आपको लगता है कि डिजर्व कर पाएगा या फ्लॉप हो जाएगा? तो बुरी तरीके से हारेगा, मोदी जी जितनी सीट लेके आए हैं उससे भी ज़्यादा से आएंगे। देखिए, इंडिया हमारे भारत का नाम है और बहुत अच्छा नाम है, लोगों को अपील कर रहा है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग को हमें तो बड़ा गर्व है कि इस महागठबंधन को इंडिया नाम से संबोधित किया जाएगा। अब लड़ाई फिरका परस्त ताकतों बनाम इंडिया की है। 24 का जो चुनाव है आप उसमें जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है आप इसको किस इस पे देख रहे हैं, क्या इसकी जो है महत्ता आएगी, बाहर निकल के आएगी, इस जो नाम दिया गया है इसका क्या कोई प्रभाव दिखेगा? निश्चित तौर पे इसका प्रभाव दिखेगा। विपक्ष ने अपना गठबंधन तैयार किया है जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, इस पे आपकी क्या राय है, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने जो 26 लोगों का गठबंधन तैयार किया है इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक घर में 5 लोग होते हैं आखिर उसमें बंटवारा हो जाता है। ये तो 26 लोगों का गठबंधन है, ये हमारी समझ से ऊपर है, इसमें विपक्ष को कोई फायदा नहीं, उससे नुकसान की जो उनका वोट बैंक जो जहाँ जाना चाहिए था वो भी उनको नहीं मिलता। इंडिया नाम रखा इस पे क्या आप कहेंगे? विपक्ष ने गठबंधन तैयार किया है उसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है, आप इस नाम को किस नज़रिए से देखते हैं, विपक्ष को किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही तुच्छ मानसिकता, मतलब अपने विपक्ष का नाम आप इंडिया रखते हो देश के नाम पे, कल को आप सत्ता में आओगे हारोगे तो क्या न्यूज़ आएगी इंडिया हारा, तो इंडिया थोड़ी ना हारेगा, आपको अपना नाम रखना था कुछ भी रखते कम से कम देश के नाम पे ना रखो उस चीज़ को, उसका इम्पैक्ट भी गलत जाएगा, उसका संदेश भी गलत जाएगा। और विपक्ष में जितने भी एकजुट हो गए ना ये मोदी को हटा पाए ना हटा पाएंगे। क्या लगता है विपक्ष जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या किस स्थिति में होगा, आपको क्या लगता है? इससे भी बुरी स्थिति में होगा, जो इन्होंने अपनी 36 पार्टियों का गठबंधन किया है तो जो इनका कोर वोट बैंक है वो भी इनको नहीं देगा, क्योंकि हर आदमी की हर पार्टी में नहीं बनती है। जो समाजवादी का था वो क्या बसपा को वोट देगा, जब सब पार्टियाँ एक हो गई तो वो वहाँ से हटेगा, तो उस वोट का ध्रुवीकरण भी होगा, जो ये सोच रहे कि इस वोट को एंजॉय कर लेंगे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो इंडिया नाम रखा है विपक्ष ने ये इनके लिए कारगर होगा या फ्लॉप हो जाएगा? ये बिल्कुल इनके लिए फ्लॉप ही है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर देगा, इस नाम को ना ही रखते तो ही इनके लिए अच्छा है। विपक्ष ने एक अलग नाम रखा है जिसका इंडिया नाम दिया है, जो मोदी की सरकार है उसके खिलाफ आपकी राय क्या है? हमने मोदी कौन परेशानी में, मोदी से हमने कौन परेशानी नहीं खेल, ठीक है बात। विपक्ष ने जो रखा है कि इंडिया नाम दिया है सरकार को गिराया जाएगा, हाँ। उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार गिरावला कौन काम बा, हाँ। सरकार ठीक बाबू। विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है सरकार को हराने के लिए, क्या राय है? विपक्ष नाम रखेगा ही क्योंकि वो विरोधी पार्टी है और इसके समक्ष में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि तेजस्वी और इतने ईमानदार हैं, जो कि अनेकों विरोधी रहेंगे इनके साथ, हम भी अगर रहेंगे तो भाजपा को ही वोट देंगे और भाजपा जैसा कोई आज तक हमारे जब तक हमारा होश और जिंदगी में है तब तक ऐसा कभी नेता नहीं आया, हमारे लिए मोदी जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं और मोदी जी को ही पूरा रखना चाहिए। क्या जानते हैं जो आम चुनाव आने वाले हैं 2024 में इंडिया और एनडीए का गठबंधन आया है सामने, क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ होगा उसमें 24 के चुनाव में? एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन आया है आपको पता होना चाहिए कि इसमें होने वाला कुछ नहीं है, बीजेपी की ही सरकार आएगी। पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा, बीजेपी को गिराने के लिए इनके सारे हथकंडे जो हैं वो अब इनके फिसल रहे हैं, अब सारी पार्टियां विपक्षी दल मिलके ये बीजेपी को गिराना चाह रही हैं क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी की ही सरकार आएगी, लोगों का जाए जितना गठबंधन कर लें जाए जितना मिलजुल लें पर बीजेपी की सरकार आनी है, ये तय है। जानना चाहेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है क्या मानते हैं आपकी बीजेपी की सरकार आएगी या इंडिया जो गठबंधन बनाया नया या उनकी सरकार आएगी? इंडिया की सरकार तो अभी मुश्किल है ना, एनडीए की चांस ज़्यादा आएगी। क्या कोई कारण है? वो सब पार्टी गठबंधन करके चल रही है, मगर जो राहुल गांधी हैं वो अभी
2024 में तो कोई उम्मीद है नहीं। राहुल गांधी ने पूरे भारत जोड़ो यात्रा करी थी, हर प्रदेश में घूमे थे, उसका फायदा नहीं मिलेगा चुनाव में? इस बार नहीं मिल पाएगा। जानना चाहेंगे जिस हिसाब से देश में अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसमें इंडिया और एनडीए का गठबंधन है, क्या कुछ कहेंगे दोनों गठबंधनों के बारे में? जो विपक्ष है इस समय इकट्ठा हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से घबरा रहे हैं लोग। सरकार की जो योजनाएं हैं अच्छी, वो सब जनता तक पहुंच रही हैं, और विपक्ष जो है वो घबरा रहा है। क्या कुछ मानते हैं 2024 में क्या होगा? 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे फिर तीसरी बार। भैया जानना चाहेंगे जिस हिसाब से अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, एक साल से कम समय बचा हुआ है, एनडीए और इंडिया की टक्कर होगी जो गठबंधन में, क्या मानते हैं आप, क्या होगा? एनडीए के सामने इंडिया जो है बिखराव वाला संगठन है, और इसमें अगर संगठन में आप देखो तो टक्कर तो बहुत दूर की बात है, कहीं भाई इतना है ही नहीं है। और दोबारा से सरकार जो भी है वह एनडीए की आएगी, इसलिए कि इसके कार्य बहुत अच्छे हैं, और इनका अभी कोई ना तो अभी इनका भी नेतृत्व है और ना कोई इनका अभी कोई आगे व्यू है कि हम देश के लिए क्या करेंगे। वास्तविकता आज की जो है वो देश की सुरक्षा और देश के विकास की बात होनी चाहिए, वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक विरोध है। विरोध विरोध व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन आप विरोध में विकास कहाँ गया ये भी तो देखिएगा। ये तो गठबंधन ही सरकार आ सकती है। अच्छा, इस बार मोदी नहीं आए? मोदी जी को कोई भरोसा नहीं है बात जी। अच्छा, गैस भी उन्होंने महंगा कर दिया, और बात जी आदमी पब्लिक वैसी दुखी है इस टाइम पर, खाद पानी है वो भी हकीकत परेशान है, आदमी कसगर क्या करेगा, कसगर ही वोट देगा वो कौन देगा बात जी। किसानों का वोट जाएगा तो इस बार मोदी को नहीं जाएगा? नहीं, मोदी को नहीं जा पाएगा। अच्छा, कारण क्या है उसके? कारण क्या है, सब चीज़ पर महंगाई अंधाधुंधा है, तो क्या करेगा बताओ। कसगर भी है अंधाधुंधा है, कोई इतना भारी अंधा थोड़ी नहीं है कोई साथ। तो आप मानते हैं कि जो सारी पार्टियां मिल रही हैं उनकी सरकार आएगी? हाँ जी। अच्छा, सारी पार्टियां आएंगी, मिलकर सरकार चलाएगी तो सही तरीके से चला लेंगी जी? इंडिया तो देखो एक इंग्लिश का शब्द है, और हम जो है धरातल से जुड़े हुए, हिंदी से जुड़े हुए हिंदू समाज के भी व्यक्ति हैं। हमारा देश हिंदुत्व का देश है, तो मेरा मानना यह है कि भारत शब्द ज़्यादा बेटर है, भारत है। और मतलब इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया की मतलब सब जनता उनके साथ नहीं होगी, ये सिर्फ ड्रामा है इन लोगों का और कुछ नहीं है, ये इंडिया बना के माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें वो नहीं होगा। इंडिया तो इंग्लिश का शब्द है वैसे भी, तो ये तो और पूरे भारत का जो नाम रख लिया, पूरी जनता के हिसाब से रख लिया उन्होंने नाम, ऐसा तो नाम नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। कहना है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत में क्या राय है आपको? भारत होना चाहिए, भारत पुराना नाम है और भारत अच्छा लगता है। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया नहीं और भारत? हाँ, तो इंडिया तो अब नया हुआ है, पहले भारत ही है, भारत होना चाहिए। विपक्ष का चाहे जो भी कहना हो, वो भारत का ही इंडिया का ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंडिया जो है वो एक इंग्लिश नाम है, और इंग्लिश एक सिर्फ एक भाषा है, और जो भारत है वो एक हिंदी नाम है, और हिंदी एक संस्कृति है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसका नाम भारत ही रहना चाहिए, और ये आदमी की अपनी स्वेच्छा है कि वो भारत बोले, इंडिया बोले, हिंदुस्तान बोले, कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और विपक्ष ऐसा क्या करना चाहता है, इसको लेके पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से भारत ही रहना चाहिए, और लोगों को भी यही राय है कि वो भारत ही रहे। देखो विपक्ष की बात तो ऐसी है, वो तो जाने क्या क्या कहता है। अगर विपक्ष के ऊपर चलें तो आज 70 साल से विपक्ष के ऊपर ही हिंदुस्तान चलता रहा है। 70 साल में विपक्ष ने इस देश की क्या स्थिति करी है ये सब लोग जानते हैं। और हमारा देश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे अशोक स्तंभ जो हमारे हैं, ये वहाँ से हमारे हिंदुस्तान की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में जो है अब अंग्रेज आए, पहले मुग़ल आए, फिर अंग्रेज आए, ये तो सब आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारे देश का नाम जो है वो हिंदू प्रभावी होने के कारण हिंदुस्तान रखा गया। अंग्रेजों के अलावा आप हिंदुस्तान को छोड़ करके या भारत को छोड़ करके या इंडिया को छोड़ करके विश्व के अंदर ऐसा एक भी देश बता दो जिसके दो नाम हो। पाकिस्तान नाम पाकिस्तान है, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश है, इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका का नाम साउथ अफ्रीका है, अमेरिका का नाम अमेरिका है, इनके दूसरे नाम क्यों नहीं है? क्या है विपक्ष का कहना है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत नहीं, क्या राय है आपको? देखो विपक्ष के ऊपर तो जामती ना, वैसे भारत तो अच्छा लगता है, भारत ही रहना चाहिए कायदे में। क्या आपका समर्थन क्या है? नहीं नहीं, भारत का है, भारत। हाँ, विपक्ष का कहना है कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं, इंडिया होना चाहिए, भारत। मेरे देश का नाम सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए, क्योंकि ये देश
के लिए सबसे अच्छा नाम है और ये प्राचीन काल से और एक अच्छा और सभ्य नाम है, इसलिए मेरे देश का नाम सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए बस। महाराज भारत जो है राम जी के छोटे भाई थे भरत, उसके आधार पर भारत नाम रखा गया था जी, तो भारत ही हमको उचित लगता है और भारत के ही आधार पर ही ये इंडिया जो बता रहे हैं ये विपक्ष, वो हमको उचित नहीं लग रहा और बाकी विपक्ष के ऊपर है वो क्या करना चाहते हैं, ऐसे हमको मेरी राय तो ये है कि भारत ही रहना चाहिए। हम स्टार्टिंग की बात करें तो जब अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट किया था तो उनको स्टार्टिंग में हिंदुस्तान बोलने में तकलीफ आती थी, तुम्हें पता ही अंग्रेजों का एक्सेंट किस तरीके से है, तो हिंदुस्तान बोलने में तकलीफ आती थी तो उन्होंने सिंधु घाटी से एक वर्ड निकाला, ठीक, तो उसको इंडिया नाम दिया गया, ठीक है। सिंधु घाटी जो है वो जो है एक वर्ड इंडस से बना है, ठीक, तो इंडस को लैटिन में इंडिया कहा जाता है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा निकाला हुआ वर्ड है इंडिया। लेकिन हमें पता भी है कि जो है भारत से लिया गया हमारा भारत जो नाम लिया गया है, तो शुरुआत में हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत आती थी उसको बड़ी, तो उन्होंने इंडस वर्ड से इंडिया निकाल दिया। लेकिन अभी मेरी यही एडवाइस है कि इसका जो नाम है भारत ही रहा जाए, ठीक है, इंडिया बोलना अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन के द्वारा जो कहा जा रहा है कि इसका जो भारत हटा दिया जाए तो हटाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको जो है इंडिया बोलना चाहे जो इंडिया बोले और भारत तो रहना चाहिए। वो इंडिया तो होना चाहिए मगर क्या अखंड इंडिया जो पहले था ना वो ही होना चाहिए, वो अखंड भारत था हमारा, वो हमारी संस्कृति थी, वो संस्कृति और सब ये भारत में ही होनी चाहिए। भारत यानी शकुंतला का पुत्र भरत था, इसीलिए उसका नाम भारत ही होना चाहिए। तो विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा है वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे गलत है, एकदम उचित ही नहीं है। भारत वर्ड ही एक ऐसा शब्द है जो हमारे सदियों पुराने जो हमारे सनातनी का जो वर्ड है, जो हमारे राजा भरत हुआ करते थे उनके नाम पर रखा गया भरत है, उसी भारत का जो विस्तार कर रहे हैं जहाँ चाहे हमारे जो हमारी सरकार है वो भी भारत का नाम ही आगे लेके जा रही है, और जो विपक्ष है वो उसकी नीतियाँ जो हैं बहुत ही गलत हैं। तो भारत एक वर्ड जो है वो ही उचित है, इंडिया सब तो इसको हटा देना चाहिए, तो अपनी राजनीति कर रहे हैं देश को भड़काने के लिए, जनता को भड़काने के लिए। इंडिया मानो कौन से वर्ड में बोले, ओरिजिनल इंडिया के विपक्ष वाला जो जॉइंट वाला है वो इंडिया, वो तो एक मानो कच्चा खिचड़ी जैसा है, वो कोई लंबा चलने वाला नहीं है। अपना इंडिया जो जॉइंट इंडिया पुराना इंडिया वो ही पक्का इंडिया रहेगा।